नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरों पर। 4 साल बाद सरकार के नियंत्रण में सीरिया का अलेपो शहर। 2011 में गृह युद्ध भड़कने के बाद सेना की विपक्षी बलों पर सबसे बड़ी जीत। सरकार और विद्रोहियों के बीच लड़ाई में मारे गए अब तक 3,10,000 लोग। दलाई लामा की भारत से नजदीकी पर बिफरा चीन। चीन मीडिया ने भारत को दी चेतावनी, कहा बिगड़ैल बच्चे की तरह व्यवहार करना बंद करे भारत। अमेरिका जाने वाले विमान में अश्लील हरकत करने पर एक भारतीय हिरासत में। न्यूजर्सी की स्थानीय अदालत के सामने किया गया पेश। मुंबई से अमेरिका के न्यूयॉर्क जाने वाली एयर इंडिया की उड़ान AL-191 में हुई घटना। ट्रंप के बयान पर दुनिया भर में सुरक्षा को लेकर छिड़ी बहस। ट्रंप ने कहा अमेरिका को बढ़ाना चाहिए परमाणु हथियारों का जखीरा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भी सैन्य परमाणु क्षमता को बढ़ाने पर दे चुके हैं बयान। पाकिस्तान में हत्या के दोषी लकवाग्रस्त बुजुर्ग को दी जाएगी फांसी। 1996 में हत्या के मामले में किया गया था गिरफ्तार। और नाइजीरिया सेना ने बोको हरम के कब्जे से 1,880 बंधकों को छुड़ाया। सेना ने महिलाओं और बच्चों को बचाया। सैनिकों ने 504 बोको हरम के आतंकवादियों को किया गिरफ्तार। 19 ने किया आत्मसमर्पण। तो ये थी अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीवी लाइव क्योंकि